दोस्तों किसी भी बैंक का आपने एटीएम कार्ड अप्लाई किया है, एटीएम कार्ड आपके घर पे नहीं मिला है, एटीएम कार्ड वापस हो गया है या 15 दिन से ज़्यादा हो गया है एटीएम कार्ड आपको नहीं मिला है, तो क्या करने पे आपको एटीएम कार्ड मिलेगा, कैसे आपके घर पे एटीएम कार्ड आएगा, इस वीडियो में आपको बताने वाला है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एटीएम कार्ड दो कंपनी से आता है। सबसे पहला इंडिया पोस्ट होता है और दूसरा होता है ब्लू डार्क होता है, ठीक है। ये दो कंपनी से ही किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड घर पे पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये कमेंट कीजिए कि आपका एटीएम कार्ड किस कंपनी से आ रहा था, और आपको जब भी एटीएम कार्ड जो है डिस्पैच होता है तो आपको एक एसएमएस मिलता है कि आपका एटीएम कार्ड डिस्पैच कर दिया है हमने, तो वो किस कंपनी से एसएमएस आया था। जैसे अगर आपको इंडिया पोस्ट से आया था तो आपको इंडिया पोस्ट का एसएमएस आया होगा। अगर आपको जो ब्लू डार्ट से अगर एटीएम आता होगा तो उसका एसएमएस आया होगा, ठीक है। तो आप जो है कभी कभी ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका जो एटीएम कार्ड अभी कहाँ पे है, किस पोस्ट ऑफिस में है, ठीक है। तो अगर ये सब आपको समझ में नहीं आता है और 15 दिन या 20 दिन हो गया एटीएम कार्ड अगर नहीं आया है, तो सबसे पहला रीज़न होता है कि आपका एड्रेस उसमें गलत होगा, ठीक है। एड्रेस अगर आप जैसे पिता का नाम या आपका गांव का नाम या पिन कोड अगर आपका गलत होगा तो एटीएम कार्ड अक्सर जो है नहीं आता है आपके घर पे, वापस चला जाता है, ठीक है। तो आप वापस तो चला जाता है, तो यहाँ पे कैसे आपको रिसीव होगा, तो जो कंपनी से आपको एटीएम आया था उस कंपनी को टोल फ्री नंबर पर आपको कॉल करना पड़ता है, ठीक है। टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे, आप अपना नाम और जो ट्रैकिंग नंबर है वो बताएँगे, अपना नाम और मोबाइल नंबर उसको लिखवाएँगे, ठीक है। तो आपका मोबाइल नंबर वो नोट करेगा और जो पोस्ट में उस समय एटीएम आपका पहुंचा होगा या आपका एटीएम वापस जाकर बीच में चला गया होगा, तो वहां पे आपका मोबाइल नंबर आपका एड्रेस लिखाया जाएगा और उसको मेंशन करके एसएमएस किया जाता है पोस्ट वाले को, और कहा जाता है कि इस एटीएम कार्ड को आप जो है इस एड्रेस पर भिजवा दीजिए, काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है, ठीक है। तो फिर से जो है एटीएम वापस जो हो जाता है आपका, वो रिटर्न आता है और आपके पोस्ट में आएगा। उसके बाद पोस्ट से आपको कॉल किया जाता है कि आपका एटीएम आया है, आपको कहाँ पे डिलीवर करना है, तो आप बताएंगे अपना नाम या खुद से जाकर के वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एड्रेस गलत होने की वजह से जो है काफ़ी एटीएम जो है वापस हो रहा है। और ब्लू डॉट कंपनी से अगर आपका आ रहा है तो ब्लू डॉट का जो स्टाफ होता है जो पोस्ट में काम करता है वो बदमाशी करने की वजह से जो है आपका कॉल कभी नहीं लगा, या कॉल तो कभी करवे मतलब वो जो है कभी तो कॉल करते ही नहीं है और वापस भेज देता है, बोलता है कि छोड़ो यार क्या करें। तो एक दो एटीएम रहता है तो वापस मतलब लेकर नहीं जाता है और बोलता है, वो बहाना लगा देता है कि कॉल ही रिसीव नहीं किया, मैंने कॉल किया था, ठीक है। तो ऐसे मुसीबत में भी आपको ब्लू डॉट वाले को कॉल करना है, अगर इंडिया पोस्ट से आ रहा है तो उसको कॉल करना है, टोल फ्री में अपना मोबाइल नंबर नाम ये सब आपको लिखवा देना है और काफ़ी जल्दी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपका ये सब भी ट्रिक काम नहीं किया है तो एटीएम कार्ड जाएगा कहाँ पे, ठीक है। तो एटीएम कार्ड जो है आपका अगर ऐसे मुसीबत में नहीं मिल पाता है तो आपका एटीएम कार्ड मेन ब्रांच में चला जाता है, ठीक है, ग्राहक सेवा में नहीं जाता है, मेन ब्रांच जो आपका है उसमें आपको भेज दिया जाता है। जैसे कि 2 महीना हो गया या 1 महीना होगा आपका एटीएम कार्ड नहीं मिला, तो आपका मेन ब्रांच में भेज दिया जाता है और मेन ब्रांच से आपको ब्रांच मैनेजर आपको कॉल करेंगे या आपको वहां पे जाकर के लाना होता है, ठीक है। तो मैं आपको ब्लू डॉट टोल फ्री नंबर और इंडिया पोस्ट टोल फ्री नंबर स्क्रीन पे दे दिया हूं, आप दोनों पे किससे आपका एटीएम आया उस पर कॉल करके अपना नाम मोबाइल नंबर एड्रेस लिखवा करके दोबारा कार्ड मंगवा सकते